हेलो हाँ जी राजेंद्र जी, मैंने कोरा पे आपका पढ़ा। हाँ जी मैं जानना चाहता था आपके पास से कि मेरी 23 साल की उम्र है और कुछ 2-3 महीने से प्रॉब्लम हो रही है। क्या क्या 23 साल की मेरी उम्र है। हाँ और 2-3 साल से प्रॉब्लम हो 2-3 महीने से प्रॉब्लम हो रही है। एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है। मैं आपको एसिडिटी का रूटीन का लिंक्स दे देता हूँ, आप उसको देख लीजिए तो आपका एसिडिटी ठीक हो जाएगा। ओके सर, कोई बात नहीं, प्लीज वेट और फीडबैक दे दीजिएगा 2 दिन बाद। ओके सर, कोई बात नहीं। आपको भी ये प्रॉब्लम हुआ करता था? हाँ कभी हुआ करता था 15-1 साल पहले, पर उसके बाद अभी तो मेरा यूट्यूब चैनल है ना, आप जैसे कॉल कर रहे हैं तो आई गेट एवरेज 4-5 कॉल्स पर डे, तो एसिडिटी में जिसको भी प्रॉब्लम होता है वो ठीक हो जाता है, बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, परमानेंटली भी ठीक हो जाता है, पर मेडिसिन से नहीं होता है, एक रूटीन होता है खाना खाने का और पानी पीने का और वॉक एंड रेस्ट का, तो इस दो चीजों से करीब इमीडिएटली ठीक हो जाता है। कुछ लोगों का 2-4 दिन में ही ठीक हो जाता है, जो मे बी स्ट्रिक्टली करते हैं, जिनका बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, और जिनको बहुत प्रॉब्लम होता है वो 1-2-3 महीने लग जाता है। पर मेडिसिन लाइन के अंदर कोई भी मेडिसिन लाइन आप यूज करते हैं, होम्योपैथी एलोपैथी आयुर्वेद, किसी में भी इसका इलाज नहीं होता, और एसिडिटी से सारी की सारी बीमारियां लिंक होती हैं। अगर आप एसिडिटी का प्रॉपर इलाज नहीं करते ना, मतलब प्रॉपर बेसिकली तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम ही होता है कि आपकी शरीर जो होता है खाने से एनर्जी नहीं बनाता जितना आपको चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। एनर्जी नहीं बनेगा तो आपके वाइटल ऑर्गेन्स जिनको काम करने के लिए एनर्जी चाहिए वो काम नहीं करेंगे तो काम गड़बड़ होगा। इसमें आपका बेसिकली बेसिक मेटाबॉलिक रेट जो होता है, जो खाने का कन्वर्जन होता है एनर्जी में, उसका रेट बढ़ाया जाता है। और इसके लिए कोई मेडिसिन नहीं है, कुछ नहीं है, कोई डायग्नोसिस नहीं करने की जरूरत होती। तो सर प्लीज मुझे देखिए, आप ये काम समाज सेवा के लिए करते हो क्या? क्या आप मतलब सोशल सर्विस के लिए ये काम करते हो? जी देखो, सोशल सर्विस भी कह सकते हो, एक अपना अपना पैशन होता है। तो मैं जब मुझे प्रॉब्लम्स हो रही थी तो उसका कोई इलाज नहीं था, और बुरा तो डिफिकल्ट तो लगता ही है, लाइफ आपकी पूरी खराब हो जाती है। आप जैसे अभी आपको हो सकता है एसिडिटी ज्यादा नहीं हो, पर एक सिचुएशन ऐसी आती है कि आप कुछ भी खाने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। बिल्कुल यही होता है, अभी भी ये प्रॉब्लम हो रहा है। अभी से तो अभी तो आपकी सीवियरिटी इतनी ज्यादा नहीं होगी, पर जब ये सीवियर होता है तो आप सुबह से लेकर रात तक सिर्फ एसिडिटी के बारे में सोचते हो और कुछ सोचा ही नहीं आता। हाँ, सर, सही बात है। जब लाइफ इतना मिजरेबल हो जाता है तो नहीं होना चाहिए ना, और अगर इसका इलाज पता चला तो कमर्शियल एंगल ये होता है कि अब मैं आपको लिंक भेजूंगा, वो मेरे ब्लॉग का है तो उसमें एडसेंस चल रहा होगा। उसके अलावा पीपल डू पे मी ऑल्सो, ठीक होने के बाद रिजल्ट मिल जाते हैं, ठीक हो जाते हैं तो पे कर देते हैं। सर बिल्कुल, मुझे भी अगर ठीक हो गया तो मैं बिल्कुल आपको थोड़ी सी हेल्प कर दूंगा। बिल्कुल, जहाँ तक सोशल सर्विस का है, दोनों ही एंगल होते हैं बेसिकली। आई ऑलवेज बिलीव कि आप कुछ भी करो उसमें कोई ना कोई वैल्यू एडिशन होना चाहिए। आप दूसरे लोग भी वही काम कर रहे हैं, आप भी वही काम कर रहे हो, तो लेट अदर पीपल डू इट। आप वैल्यू कुछ ऐड करना चाहिए, कुछ ना कुछ डिफरेंट करना चाहिए। सही बात है सर जी, एकदम सही बात है। तो अभी जो प्रोसेस है जो करनी है वो आप मुझे अभी मैसेज करोगे? मैं हाँ आपको लिंक दे दूंगा मेरे वेबसाइट का, उसमें बेसिकली कुछ नहीं है। आपका पानी कब का पीना है, लिक्विड कब पीना है, चाय और दूध छोड़ दीजिए, लिक्विड छोड़ दीजिए, फल फ्रूट सब छोड़ दीजिए। ओके ओके सर। और उसमें आपका खाने का बेसिकली तो डाइजेशन खराब है, तो इसका मतलब है कि आप जो खा रहे हो पच नहीं रहा है, तो आपको हर मील के लिए 5-6 घंटे देने डाइजेस्ट करने के लिए। अच्छा ओके सर। आप डाइजेस्ट ही नहीं करेंगे तो कन्वर्जन तो होगा नहीं ना एनर्जी में? नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। तो उसमें जैसे 8 बजे खाना है, 2 बजे खाना है, 8 बजे खाना है, 6-6 घंटे का गैप हो गया, तो उसमें आधा एक घंटा ऊपर नीचे हो जाएगा तो कोई बात नहीं। उसके बाद पानी पीने का, आप बीच में पानी पीते रहेंगे, जैसे आप सब्जी बनाते हैं कोई भी, तो अगर 1 किलो सब्जी बनाना है तो सारा का सारा सब्जी एक साथ डालेंगे ना, ये तो नहीं करेंगे कि थोड़ा अभी डाल दिया, थोड़ा 10 मिनट बाद आधे घंटे बाद डाल दिया। सेम वे में आप जो भी खाना खाते हैं उसका जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो एक्सट्रैक्ट करके वो बॉडी में जाता है, बाकी तो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक में चलता रहता है ना, वो तो पास आउट हो जाता है। तो अगर आपने 8 बजे सुबह खाना खाया तो 2 बजे तक और कुछ नहीं खाना, पानी भी नहीं पीना, चाय भी नहीं पीना, कुछ नहीं लेना, तो उसको पूरा टाइम मिलेगा तो डाइजेस्ट होगा। बेसिकली तो सिस्टम वही है, जैसे आप आटा गूंथते हैं, कुछ भी छोटा मोटा कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसका जो भी प्रोसेस होता है उससे सिमिलर प्रोसेस है। उसमें ये जो आज की डेट में है ना कि हर 2 घंटे में 1 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहो, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। और उसका टाइमिंग का कुछ नहीं होता कि आपको जल्दी खाना है आपको या क्या कर रहे हैं। आप बेशक रात के 2 बजे खाओ, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, उसमें बस प्रॉपर गैप होना चाहिए
और रोज का सेम टाइम पे खाना भी जरूरी नहीं है। मेन चीज ये होता है कि जो भी खाओ उसके बाद उसको डाइजेस्ट होने के लिए टाइम दो। सही बात है। तो वो फंडामेंटल चीजें है, उसपे कोई भी मेडिसिन नहीं है, कोई डाइट नहीं है। होपफुली आप 15 से 30 दिन के बाद जो खाना चाहो खा सकते हो। आपका जो रेस्ट्रिक्शन लगता है ना, तेल मत खाओ, स्पाइसेस मत खाओ, ऐसा कुछ नहीं होता। एसिडिटी में से इसका कोई भी कारण नहीं होता। जो लोग बहुत ज्यादा स्पाइसेस लेते हैं उनको भी कोई एसिडिटी नहीं होता। एसिडिटी का स्पाइसी से, ऑयल से किसी चीज के कोई कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन ही नहीं है। अच्छा सर, सिंपल सी चीज है। अगर आपकी आज की दुनिया में मतलब आप 100 लोग हैं जो स्पाइसी और ये सब लेते हैं, एसिडिटी तो एक दो को होती है ना, तो हाउ डू दीज गाइज जो कि साइंस बोलते हैं इसको, ये लोग कंक्लूड कैसे करते हैं कि स्पाइसी से होती है प्रॉब्लम? हाँ बिल्कुल, आपका मेजोरिटी में, मेजोरिटी को भी छोड़ो, 1% 2% के आसपास लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए बेसिकली अब धीरे धीरे करके करीब 1700-1800 लोगों का फीडबैक आ चुका है। तो यूट्यूब पर चैनल होता है, उसका एक सिस्टम है कि जो भी कॉल करता है उसकी रिकॉर्डिंग होती है, उसकी रिकॉर्डिंग एज इट इज डाल देते हैं। तो जो हमारा जो सिस्टम है वो 100% ऑथेंटिक होता है कि कोई भी वॉइस एडिटिंग नहीं है, कुछ नहीं है, कोई उसमें पिक्चर नहीं डलती, फोटो नहीं डलती, एज इट इज सिंपल सा ऑडियो डलता है। सर एक सेकंड होल्ड करिए। हेलो, हेलो, आप पानी कितना पीते हैं? सर यही प्रॉब्लम मुझे लग रहा है, मैंने आपका पढ़ा ना जब थोड़ा पे, तभी मुझे ये बेसिक जो प्रॉब्लम था वो समझ में आया कि पानी मैं काफी पी रहा था पिछले जब मुझे शुरू हुआ उससे 3 महीने पहले। 3 महीने से मैं काफी पानी पी रहा था, मतलब मेरी कैपेसिटी से भी ज्यादा पी रहा था, क्योंकि मैंने क्लियर तो पढ़ा था कि ज्यादा पानी पीने से पेट अच्छा रहता है करके, और इसके कारण ही ये सब प्रॉब्लम शुरू हुए लगता है। सी, अगर आप देखोगे ना तो मेरे ब्लॉग के ऊपर सिर्फ एसिडिटी नहीं है, आप दुनिया की कोई भी बीमारी इसी रूटीन को फॉलो करके, कैंसर का लास्ट स्टेज भी होगा इसी रूटीन को फॉलो करके ठीक कर सकते हैं। अच्छा जी। सो पीपीआई के बारे में आपका क्या कहना है? पीपीआई का क्या आपका मतलब राय है आपकी? पीपीआई, हाँ, जो अपने एंटासिड रहते हैं, एसिड ब्लॉकर। सी, आपके के जो एसिडिटी होता है, एसिडिटी का मतलब ये नहीं होता कि आपके पेट में ज्यादा एसिड बन रहा है। एसिडिटी का मतलब होता है आपके पेट में एसिड कम बन रहा है। जितना भी खाने में आपका बैक्टीरिया होता है वो उसी एसिड से न्यूट्रलाइज होता है, उसी एसिड से खत्म होता है, एलिमिनेट होता है। अच्छा बिल्कुल। तो अब आपका सबसे पहले तो आपका एसिड लेवल लो हो गया, ऊपर से आपने पे ले लिया जो कि उस एसिड को और कम करता है। अगर आपके ब्लड में एसिड नहीं होगा, आपके इसमें एसिड नहीं होगा खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, तो खाने में जो बैक्टीरिया होगा, जो वायरस होगा, जो भी फॉरेन एलिमेंट्स होंगे, वो फॉरेन एलिमेंट्स एलिमिनेट नहीं होंगे। नहीं होंगे बिल्कुल। अगर वो एलिमेंट नहीं होंगे तो आपकी जो इम्यूनिटी होती है वो कम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो अगर आप साइड इफेक्ट्स ऑफ पीपीआई देखोगे नेट पर, गूगल पर, तो यू विल फाइंड कि इसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी लो होती है। हाँ, ये मैंने पढ़ा। और इम्यूनिटी लो होने का लास्ट स्टेज कैंसर होता है, तो इससे कैंसर भी होता है। होता है, होता है, सही बात है। तो आप उसी से समझ सकते हो कि ये कितना सीवियर, और आज की डेट में मेडिकल साइंस भी इसको एक्सेप्ट कर रही है कि ये बेसिकली क्या कहते हैं, पहले तो बिलीव ही ये था कि एसिडिटी बोलते थे तो एसिडिटी का मतलब है कि एसिड ज्यादा बन रहा है, ज्यादा एसिड, हाइपर एसिडिटी बोलते हैं। नहीं, पहले समझते थे, पर आज की डेट में इवन मेडिकल साइंस एक्सेप्ट दिस थिंग। उसके बावजूद धड़ल्ले से दवाई बिक रही है, उसके बावजूद हर आदमी वही काम कर रहा है। हाँ, सही बात है। इनफैक्ट लास्ट ईयर नवंबर में, 4th नवंबर को आई गॉट अ कॉल फ्रॉम एमबीबीएस डॉक्टर। ही वॉज 27 ईयर ओल्ड। ओके। ही वॉज सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी फॉर लास्ट 2 ईयर्स। Oh, and he wanted me to treat that. Oh wow. And I said कि 48 hours लगते हैं, आप अपना medicine line छोड़कर इसमें शुरू कर दो। So we had a discussion for about 2.5 hours. Wow. And he promised to give the feedback also. उसके बाद 2.5 घंटा मैंने दे दिया, उन्होंने 2.5 सेकंड नहीं दिया फीडबैक देने के लिए, उन्होंने बस व्हाट्सएप पर मैसेज लिख के दे दिया that he did it for 2 days and he got relief. Wow, amazing. इसी तरीके से और भी है, अभी एक एमबीबीएस डॉक्टर की डॉटर है, उनका एसिडिटी से इलाज चल रहा है। पहले तो वो भी बहुत अप्रेंसिव थे, वो खुद ही वो है फार्माकोलॉजिस्ट है, उनके हस्बैंड भी फार्माकोलॉजिस्ट है, फैमिली में सभी डॉक्टर्स वगैरह हैं। अच्छा।
तो उनका मदर वगैरह ने भी बात किया, पहले वो दे वर वरिड कि पानी कम करने से पता नहीं क्या हो जाएगा, तो अभी तो दे आर मोर देन सेटिस्फाइड। वाह अमेजिंग सर, मैं भी ट्राई करता हूँ, फिर आप मुझे लिंक भेज दीजिए एक बार, मैं भी ट्राई करता हूँ। और सर प्रॉब्लम ये हो रहा है कि मैंने अभी कुछ 4-5 दिनों पहले एंडोस्कोपी करवाई थी, तो उसमें मुझे गैस्ट्राइटिस, माइल्ड एंटेराइल गैस्ट्राइटिस और इसोफेगिटिस दो लिख के आया हुआ है, और मेरा जो एलियस रहता है ना जो लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर, उसपे थोड़ा सा कुछ ग्रोथ है। उसका तो बायोप्सी मैंने करने दिया है, कल बायोप्सी का रिजल्ट भी आ जाएगा, पर तो मैं क्या करूं अभी, पीपीआई छोड़ दूं और आपका तकनीक आपकी तकनीक अपना लूं, या फिर अभी पीपीआई चालू रखूं? सी देखो, मैं तो बोलूंगा कि पीपीआई को बंद कर दो, क्योंकि पीपीआई लेने से एक फंडामेंटल प्रॉब्लम तो रहेगी, आपको डिस्कम्फर्ट होता है, कभी बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट हो आपको नेक्स्ट कमिंग वीक और 10 डेज में पीपीआई लेना पड़ जाए तो देर इज नो हार्म, एक दो बार ले ले अगर आपका अनकंट्रोल्ड हो रहा है। अगर अनकंट्रोल्ड नहीं है, अगर अनकंट्रोल्ड भी है तो भी अगर एक दो दिन लेना पड़े ऑन SOS बेसिस तब आप ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं लीजिए। आपकी एज क्या बताइए आपने? मेरी 23 सर। 23 में नहीं पड़नी चाहिए, जरूरत पड़ती है। आपका कभी स्पोर्ट्स में रहे हो आप? स्पोर्ट्स सर मैं रोज योगा करता हूँ 1 घंटे, मेरे दिन के 100 पुशअप्स रहते हैं, एक्सरसाइज तो काफी करता हूँ सर। कब से? ये तो मैं पिछले 3 साल से कर रहा हूँ सर। और एसिडिटी कब से है? एसिडिटी मुझे 3 महीने से शुरू हुई, ये पता नहीं कैसे हो गया, कुछ मालूम नहीं पड़ रहा, क्योंकि मैं एक्सरसाइज बंद कर दो। हेलो, आप योगा और एसिडिटी एक्सरसाइज दोनों बंद कर दो? बिल्कुल भी बंद कर दूं? हाँ, उसका बेसिकली आप कारण समझिए, दिस इज ए मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम आप पहले तो ये समझो कि जो खाना खाते हैं उसे एनर्जी बनती है, उस एनर्जी का एक बहुत बड़ा पोर्शन विच इज 60-80% इंटरनली यूज होता है। आपके ब्रेन को काम करने के लिए टोटल एनर्जी का 20% चाहिए, एंड द सेकेंड लार्जेस्ट कंजम्पशन इज बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब अगर ब्रेन को या डाइजेस्टिव सिस्टम को एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो प्रॉपरली काम नहीं करेंगे, और उसके बाद सारी की सारी दूसरी बीमारियां शुरू हो जाती हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और हार्ट डिसीज और ओबेसिटी और कुछ भी कह सकते हैं आप। हाँ सही है सर। सो क्या बात करी थी आपने, मैंने आपको तो बेसिकली एक्सरसाइज, तो आप ऑलरेडी मेटाबॉलिक सिंड्रोम में, मतलब आपका जो नेसेसिटी होती है वो होती है कि आपके वाइटल ऑर्गन्स को ऑप्टिमली ठीक से आपको हेल्दी रखने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो मिलती रहनी चाहिए। अब आप एक्सरसाइज कर रहे हो उस सिचुएशन में जब ऑलरेडी नहीं मिल रही आपकी बॉडी को एनर्जी, आपके वाइटल ऑर्गेन्स को, सो इट इज काउंटर प्रोडक्टिव। आप जितनी एक्सरसाइज करोगे वाइटल ऑर्गेन, क्योंकि आपका मेटाबॉलिक रेट फिक्स होता है, तो आप जितना एक्सरसाइज कर रहे हो उसमें जो एनर्जी स्पेंड कर रहे हो वो नहीं करोगे तो वाइटल ऑर्गेन्स यूज कर पाएंगे तो आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी। अब वाइटल ऑर्गेन्स पे एलोकेशन का डिफरेंस करना पड़ता है, उसके लिए वॉक एंड रेस्ट होता है कि आप 5 मिनट चलोगे आराम से नॉर्मल पेस पर अपने घर के अंदर, तो उससे बॉडी थोड़ी सी एनर्जाइज होगी, थोड़ा सा जो भी आपके एनर्जी के रिसोर्सेज होते हैं कि आपका जो भी मेटोकॉन्ड्रिया है जहां भी आपके एनर्जी स्टोर्स होते हैं वो रिलीज करेंगे एनर्जी। तो बिफोर यू गेट टायर्ड उससे पहले आप लेट जाओ, जो एनर्जी उस समय स्टेट होगा वो पॉजिटिव एनर्जी होगी, आप थके, मतलब थके होने की जगह यू आर फीलिंग एनर्जेटिक, तो दैट मीन्स उस समय आपके वाइटल ऑर्गन्स की जो रिक्वायरमेंट एनर्जी की उससे ज्यादा है। हाँ बराबर। और अगर आपके बॉडी में उस समय एनर्जी ज्यादा है तो इसका मतलब लेटने के बाद वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो है आपके वाइटल ऑर्गन्स यूज करना शुरू करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ब्रेन हो गया, ये सब यूज करेंगे। तो यही बेसिक प्रॉब्लम होती है, जैसे ही आपका एलोकेशन ऑफ एनर्जी बाय द वाइटल ऑर्गन्स इंक्रीजेस तो ठीक हो जाता है, तो मैं किसी भी चीज की एक्सरसाइज के लिए मना कर देता हूँ। अच्छा, मतलब फिलहाल जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तब तक ना सर जी? जब तक आपकी बॉडी सरप्लस एनर्जी मोड में नहीं आए तब तक एक्सरसाइज नहीं करना होता। अच्छा ओके सर। वेदर इट इज 1 मंथ और 2 मंथ और 3 मंथ। सिंपल सा काम होता है कि एनर्जी सरप्लस मोड में हो, सरप्लस वाले वाइटल ऑर्गेन्स की जो बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। समझा सर। परंतु उसके बावजूद 20-25 के बाद ना इतना एक्सरसाइज करना नहीं चाहिए। आपको एक्सरसाइज करना है माइल कर सकते हैं, हफ्ते में 2 दिन कर सकते हैं। ज्यादा एक्सरसाइज करने का इसलिए क्योंकि आपको करना क्या, एक्सरसाइज करके फिट रहना है, फिट रहने के लिए वॉक एंड रेस्ट इज बेस्ट थिंग। चाहे आपका एज 70 साल हो, 100 साल हो, कुछ भी हो, दिस इज द बेस्ट थिंग। 15 साल